and we'll just put our heads against the wall. We're going to come up with this problem, put them along, and we're going to put them to each other. बड़े प्यारे भाई आए हैं जी, ऐसे में लाहौर से हैं, बहुत बड़े फार्मर है माशाल्लाह। ये मेरे दुकाने से पहले खुद बताएंगे क्या बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और बड़ी खुशी की बात है कि मुल्तान में एक बहुत अच्छा सेटअप जो शुरू से तकरीबन 20-25 साल से साफ शफाफ चल रहा है, जिनकी कोई किस्म की कंप्लेन नहीं होती, उन्होंने अब माशाल्लाह अपनी दूसरी ब्रांच खोली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने लाहौर से आज तक जितना बिजनेस किया है उसमें सिर्फ मुल्तान में एक मुश्ताक साहब हैं जिनको हमने ज़ुबान पे पाया है और जिनके पास क्वालिटी बर्ड्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शौकीन के साथ भी रीज़नेबल प्राइस में बिजनेस करते हैं और इसकी बड़ी खुशी है। और हमदा इन्होंने इन्वाइट किया था जिसके लिए हम आए, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इनके पास आपको हर वक्त में हर चीज़ मिलेगी। खाली ये दुकान का सेटअप नहीं है कि ये तोते परिंदों में, हिरनों में, इसके बाद वाइल्ड स्पीशीज़ जो सी हैं, एग्जॉटिक स्पीशीज़ सारी इनके से इंशाल्लाह मिलेंगी। तो अभी इन्होंने लाइन की फार्मिंग भी मुश्तार भाई ने खुद भी शुरू की हुई है और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम भी लाइन की फार्मिंग कर रहे हैं। तो आप जो है इंशाल्लाह इसको बर्ड्स पैराडाइज को ज़रूर विज़िट करें और मुल्तान के लोगों के लिए बड़ा अच्छा। और मैं तो यही कहूँगा कि उनकी कुछ नसीबी है कि मुश्ताक साहब जैसा बंदा वो मुल्तान में है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी है भाई की कि मेरी दावत से ये लाहौर से स्पेशली है मेरे इस इनॉग्रेशन को अटेंड करने के लिए। मेरे लिए भाई से इज्जत, भाई से खुशी, जितनी खुशी में मनाऊँ उससे कम है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने मुझे ज़्यादा हाईलाइट किया, मैं इतना कुछ नहीं, मैं बहुत छोटा सा फार्मर
कोशिश करता हूँ अपने व्यूअर्स को, अपने सुप्रीम को, अपने दोस्तों को बेहतर से बेहतर टाइम दे सकूँ और उन्हें प्रोटोकॉल दे सकूँ। तो बेसिकली मैं खुद एक शौकीन हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ मेरी वजह से शौकीन की चला जारी हो। मैं अगर शौकीन यहाँ पे आया तो खुश हो गया वालेकुम अस्सलाम जी। मुस्ताक भाई यार, तो मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आपके पास आई हैं, उनको अभी फिर पता चला, हालांकि वीडियो में इख्तराम कर दीजिए थे, तो फिर पता चला उस्ताद मोहतरम आया, ये बात रहा नहीं गया कि इनकी वीडियो बनाई जाए। अली भाई, सारे बात करने से पहले बताऊंगा कि ये हाफिज़ ताहिर रहमान एक बहुत बड़ा नाम है, बर्ड्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, और अल्लाह ताला इन्हें इज्जत दे, जिंदगी दे। मेरी छोटी सी कॉल पे, मेरी रिक्वेस्ट पे भाई लोग तशरीफ़ लाए हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इज्जत का बायस है। मेरी इनॉग्रेशन में तशरीफ़ लाए मेरे कहने पे, तो मेरे लिए बायस फ़ख्र, बायस इज्जत, बायस मतलब मैं जितना कहूँ उतना कम है। तो हाफिज़ ताहिर अभी छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, और मैं इनके मुकाबले हकीम सा बनूँ, बहुत छोटा बनूँ। मेरी दावत में मुल्तान तशरीफ़ लाए, जब कभी मेरे मनिया कभी शहर से बाहर निकले ही, इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास ज़रा भी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है अपने बिजनेस से। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा नाम हाफिज़ ताहिर रहमान, अल्लाह जिंदगी दे इन्हें, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये हाफिज़ ताहिर रहमान बहुत शुक्रिया। तो बस इन्होंने मुझे एक लकब दे दिया उस्ताद का, अदरवाइज तो एक अदना सा आदमी हूँ। ये इनकी मोहब्बत है, और मैं कहूँगा अखलाक जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो इनका अखलाक मोहब्बत ही है जो बंदे को ना यहाँ लेकर आ गई, तो इसमें कोई शक नहीं है। ये खुद बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे पुराने दोस्त भी हैं, इनके साथ गपशप भी लगती है, तो मैंने इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जो मुझे अच्छी ना लगी या किसी को भी अच्छी ना लगी हो। माशाल्लाह अखलाकी तौर पर बहुत अच्छे आदमी हैं, ये लेन देन के मामला में बहुत अच्छे हैं ये, और अच्छी सोच रखी है। मैंने ये दुकान देखी, मुझे बड़ी खुशी हुई, बल्कि तमाम लोगों को चाहिए कि अपनी दुकानों को अच्छे से अच्छा करें। मैं देखता हूँ कि बाज़ दुकानें ऐसी हैं, उनके अंदर उन्होंने माल तो डाला हुआ है 10 लाख का, लेकिन दुकान को डेकोरेट उन्होंने बहुत अलग किस्म का किया होता है, जबकि हमारे बर्ज वाले जो है ना, इन्होंने करोड़ों का माल डाला होता है, तो दुकान की हालत बहुत खस्ता होती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि ये ट्रेंड जो है ना अच्छी दुकानों वाला चला है। इंशाल्लाह उम्मीद है जो नए दुकानदार हैं वो आए और ऐसी ही दुकानें अच्छी से अच्छी बनाएं। तो ये हम जो है ना, ये चीज़ हमें जो है ना कुर्बान लेके चलती है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। वाकई इसमें कोई शक नहीं जी, ये इस काबिल है, और मैं तो फिर शुक्रिया अदा करूँगा अपने साथ मतलब का हाफिज़ ताहिर रहमान साहब का, जो इतनी दूर से मेरे लिए सिर्फ तशरीफ़ लाए, मेरे लिए बहुत खुशी का बायस है, इनकी मेहरबानी, इनका शुक्रिया। और मेरे से मुलाकात होगी इनकी, जबकि ये बहुत एक बार इंटरव्यू देने का टाइम भी नहीं है किसी को, और आज यहाँ खड़े मेरे पास हम दोस्तों दरमियान में, इसमें कोई शक नहीं, बेशक बेशक बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इंशाल्लाह और अजीज़, बस आप ये दुआ करें, ये जो हमारा काम है लीगल काम है, अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी पेड है ये काम, ठीक है। तो दरअसल जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि फैंसियर जो जब काम करे ना अपने घरों पे, अपने छतों के ऊपर बर्ड वगैरह रखते हैं, उनसे भीड़ लेते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग, तो उसके अंदर जब कोई इदारा ऐसा आके जो अख्तियारात नहीं रखता कानून साजी करने का अख्तियार नहीं रखता, क्योंकि ये ड्यूटी पेड परिंदे हैं, वो इन्वॉल्वमेंट जब करता है ना तो जो फैंसियर होता है ना वो डिसाइड होता है। जैसे ये आप कह रहे हैं एनओसी बनानी है एक सूबे से दूसरे सूबे तक, देखिए बात यह है कि एनओसी एक सूबे से दूसरे सूबे तक कैसे बन सकती है, उसको हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कह सकते। एक सूबे से दूसरे सूबे को हम कहते हैं सप्लाई,
पार्सल कह सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हम कह सकते। अगर माना जाए कि इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही कह जाना है, उन्होंने यही रट लगा दिए कि हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही इसका जो है ना लाइसेंस इशू करना है एक सूबे से दूसरे सूबे। तो फिर मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, एक पोर्ट बनाएं आप अपनी, वाइल्ड लाइफ अपनी एक पोर्ट बनाएं, जैसे एयरपोर्ट है उनकी एक पोर्ट है, मोहम्मदी पोर्ट पोर्ट है, जैसे ये रेलगाड़ी उन्होंने अपनी एक पोर्ट बनाई हुई है, ये अपनी एक पोर्ट बनाएं। अगर ये नियाजी अड्डे से, लारी अड्डे से, फला फला सूबे का अड्डा है, वहां से अगर ये माल पकड़ते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ पोर्ट नहीं है। पहले अपनी पोर्ट बनाएं, ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर कानून साजी करें। अगर पोर्ट पता लगे किसी नियाजी की है तो ये कहें कि हमने इधर से माल पकड़ना है तो ये इनलीगल कहलाता है। पहले अपनी पोर्ट बनाएं, उस परिंदे के ऊपर, उस जानवर के ऊपर कानून साजी नहीं कर सकते जो परिंदा और जानवर सिंध का है, सरहद का है, बलोचिस्तान का है। पंजाब हमारी वाइल्ड लाइफ जो है ना वो पंजाब की है, वो पंजाब का परिंदा, पंजाब का जानवर, उसके ऊपर कानून साजी करने का रवाजार है, इसके अलावा नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह साहब, बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना टाइम दिया, इनकी वक्त दिया, इनकी दुआ में याद रखी। थैंक यू जान, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। मुश्ताक भाई, जैसा कि हमने देखा आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नई शॉप का इफ्तिताह हो गया है, तो बर्ड्स की क्वांटिटी भी हमने देखी, इंशाल्लाह व्यूवर्स भी देखेंगे वीडियो में और व्यूवर्स को पसंद आएंगी। तो मुझे सिर्फ ये पूछना था आज के दिन के व्यूवर्स के लिहाज, व्यूवर्स के लिए आज जो शॉप ओपनिंग हुई है इसमें क्या चीज़ मिलेगी, रेट के कोई चांसेस कम होंगे या इसके रेट ज़्यादा होंगे? अली भाई, मेन चीज़ तो ये है कि यहाँ पे रेट के अलावा वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, सही हो गया। वैरायटी पहले से ज़्यादा, मतलब हमारी कोशिश यही की है कि मैक्सिमम वैरायटी, बड़ी वैरायटी, छोटी वैरायटी, जो भी हो मैक्सिमम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें कि हम आपको क्या कुछ दिखा सकते हैं, क्या कुछ दे सकते हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि इंशाल्लाह रेट में भी पहले जैसे कमी होगी, और ये हमारे उसमें माटो में भी है, इंशाल्लाह रेट में कमी होगी और चीज में भी क्वालिटी बढ़ेगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स को ये सेटअप इंशाल्लाह व्यूअर्स को भी पसंद आएगा, और अल्लाह ताला हमारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, कामयाबी दे और बरकत दे। तो व्यूअर्स की आसानी के लिए आप शॉप का एड्रेस दे दें। ये नया रेस्टोरेंट दुकान का बर्ड पैराडाइज चौक कजाफी, उसके नज़दीक हमारा कसूरी चौक, एम ए जिना रोड, मुल्तान। अपना नंबर भी दे दें मुश्ताक भाई, 0300-815-3110, 0300-635-3110। मुश्ताक भाई आप खुद अवेलेबल होंगे यहाँ पर? इंशाल्लाह 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 व्यूअर्स को आसानी होगी यहाँ आके, क्योंकि मुल्तान में ये पहला सेटअप बना है जो इतना बड़ा है। बहुत शुक्रिया, चले व्यूअर्स मुझे भी इजाजत दें, मुश्ताक भाई को भी इजाजत दें, इंशाल्लाह आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियो हम लेके आते रहे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।